Hello everyone, I'm Dr. Sarika Jindal. I am a cataract and refractive surgeon at I7 Hospitals, Janakpuri. Today I'll be showing you a femto laser assisted cataract surgery. So this is my patient here, Mr. Mahindra Pal Mehta. He's a 68-year-old male. He has got cataract with astigmatism. So we'll be performing femto laser assisted cataract surgery. So I'll be implanting Alcon IQ lens with T4 toricity. सो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है ये मॉडर्न डे सर्जरी है. इसमें पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टांका नहीं लगता. इसमें सारे इंसिशंस जो लगते हैं वो एक मशीन द्वारा लगते हैं, विच इज अ फेमटो लेजर मशीन. ऑल द स्टेप्स ऑफ द सर्जरी आर डन बाय द फेमटो लेजर मशीन एंड वंस द कैटरेक्ट इज डिसॉल्व्ड वी टेक द पेशेंट टू अनदर ओटी, जहाँ पर हम सारे कैटरेक्ट के सेपरेटेड या ब्रोकन डाउन पार्ट्स को बाहर निकालते हैं और एक लेंस इम्प्लांट कर देते हैं. सो इट इज़ अ वेरी सेफ मोड ऑफ सर्जरी एंड द पेशेंट डजंट फील एनी काइंड ऑफ डिसकम्फर्ट और प्रॉब्लम. द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज द सेम डे आफ्टर एन आवर और सो ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अभी हम अपने पेशेंट को पहला स्टेप यानी फेमटो लेजर वाला स्टेप करने के लिए मशीन पे ले जा रहे हैं. मैं आपको अभी दिखाती हूँ. 20 सेकेंड का लेज़र होगा, 20 सेकेंड के लिए बिल्कुल मत हिलना. इसमें देखो, देखो रिंग ऑफ लाइट में देखो. अब हम फेमटो लेज़र वाला पार्ट कर रहे हैं. हम पेशेंट की आँख को डॉक करते हैं जिससे कि पेशेंट की आँख फिक्स हो जाती है. पेशेंट की आँख को डॉक करने के लिए हम एक स्पेशल इक्विपमेंट वन टाइम यूज़ को लगाते हैं जो इस मशीन में एक पर्टिकुलर कोड के साथ आती है. डॉकिंग के बाद हम उसको एक बटन दबाकर सेंटरिंग करते हैं. द लेज़र इज़ ऑलमोस्ट फॉर 20 to 25 सेकेंड्स. वी प्रेस द स्विच बटन फॉर द लेज़र एंड इट स्टार्ट्स फायरिंग. सो इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स और सो ऑल द स्टेप्स ऑफ द कॉर्नियल इंसिशंस, द कैप्सुलोटमी एंड द लेंस फ्रेगमेंटेशन आर कम्प्लीटेड. पेशेंट डजंट एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट और पेन ड्यूरिंग दीज स्टेप्स. जो भी हम ये स्टेप्स हम फेमटो लेज़र के साथ कर रहे हैं ये 20 सेकेंड्स में हो रहे हैं, जबकि जब हम मैनुअल सर्जरी करते हैं तो ये स्टेप्स कम से कम 5 मिनट लेते हैं. साथ में इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कैप्सुलोटमी है वो परफेक्टली सेंटर्ड होती है. अब हम फेमटो लेज़र यानी AI वाला पार्ट कर चुके हैं और अब हम पेशेंट को दूसरे OT में शिफ्ट कर चुके हैं. अब हम इनका जो डिसॉल्व्ड न्यूक्लियस है वो बाहर निकालेंगे और लेंस इम्प्लांट करेंगे. सो आई विल बी शोइंग यू वेरियन गाइडेड कैटरेक्ट सर्जरी. सिंस दिस इज़ अ टॉरिक IOL, वी विल मार्क द टॉरिसिटी और द टॉरिक एक्सिस बेस्ड ऑन द वेरियन. सो द लेंस हैज़ टू बी इम्प्लांटेड एट 10 degrees. सो बेस्ड ऑन द गाइडेंस बाय वेरियन आई एम मार्किंग the cornea at 10 degree axis. Now we are taking out the separated capsulotomy part. Now I am doing hydro dissection. अब हमने जो फेमटो लेज़र से न्यूक्लियस के पार्ट्स को सेपरेट किया था वो हम फेको मशीन से निकाल चुके हैं और अब हम कॉर्टेक्स रिमूवल कर रहे हैं. जो हम ये लेंस इम्प्लांट कर रहे हैं ये एक टॉरिक लेंस है. हमने वेरियन की हेल्प से पहले एक्सिस मार्क कर लिया था, अब हम उसी एक्सिस पे लेंस को इम्प्लांट करेंगे. अब मैं जो लेंस डालने जा रही हूँ वो IQ टॉरिक लेंस है जो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे डलता है. ये एक्सिस मैंने बिगिनिंग ऑफ द सर्जरी में ही वेरियन मशीन की गाइडेंस से मार्क कर रखा है. वेरियन इज़ अ मशीन विच गिव्स यू अ रियल टाइम एक्सिस मार्किंग ड्यूरिंग द सर्जरी. तो अब मैंने लेंस इम्प्लांट कर दिया है और वेरियन गाइडेड सिस्टम से एग्जैक्टली उसी एक्सिस पर यानी 10 डिग्री पर मैंने इसको इम्प्लांट कर दिया है. आई हैव रिमूव्ड ऑल द विस्को इलास्टिक फ्रॉम द बैग एंड द आई इज़ ब्यूटिफुल एंड क्लीन नाउ एंड वी हैव फिनिश्ड द सर्जरी. नाउ द पेशेंट कैन स्टार्ट पुटिंग हिज आई ड्रॉप्स आफ्टर हाफ एन आवर एंड विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल आफ्टर 1 hour. सो नाउ द सर्जरी इज कम्प्लीट एंड द पेशेंट हैज बीन सेंट टू द पोस्ट ऑपरेटिव रूम. The patient will be discharged after 1 hour after explaining all the medications to be taken and will be followed up tomorrow in the OPD.
हमारे साथ मिस्टर महेंद्रपाल मेहता है, जिनकी कल सर्जरी हुई है कैटरेक्ट की, राइट आई की। तो बेसिकली कल से पहले बिफोर सर्जरी इनको राइट आई की विजन इनकी 6/60 थी। सर आपको बिफोर सर्जरी जब आपको पढ़ाया होगा आपको ये सबसे पहली वाली लाइन दिखती थी, है ना, इस आंख से। अभी आप एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा है? 3 अभी 4/7 अब आपको पहले से बेहतर है, है ना। अभी क्या है सर? 3/4/7 अभी 2/0/3/7 अभी 7/2/0/3/4 बहुत अच्छे। अभी क्या है सर? 4 हाँ जी 3 2 उसके बाद 0 2 हाँ 5/7 ठीक है सर। तो बेसिकली सर्जरी से पहले आपकी विजन राइट आई की 6/60 थी, जो कि सबसे टॉप मोस्ट लाइन है ना, ये दिखता था। पर अब आपको इतना बारीक भी दिख रहा है। मैं कल जब ऑपरेशन के लिए गया था मेरे को बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था, जब का ऑपरेशन हुआ पहले से काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ